सृष्टि बचपन से ही दिखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन अमीर बाप की बेटी सृष्टि पर उसकी माँ जान छिड़कती। मेरी बेटी कितनी प्यारी है, भगवान सबको सृष्टि जैसी बेटी दे। सृष्टि धीरे धीरे बड़ी होती है। एक दिन सृष्टि की सहेली कहती है, तू दिखने में कितनी अजीब सी है, लेकिन मैं जानती हूँ हम सब में सबसे अच्छी शादी तो तेरी ही होगी। तेरे पापा अमीर जो हैं, और बता नहीं सकते यार, दहेज तो हर कोई देता है, ये क्या ज्यादा ले जाएगी अपने पति के लिए। अरे बड़े शहर में कोठी है इसके पापा की। अरे पापा की है ना, कौन सी इसकी है, इसकी होती तब तो कोई भी लड़का इससे शादी कर लेता। अरे पापा की मतलब पापा की है तो मेरी ही है ना। किसने कहा, अब तेरी तो तब होगी ना जब तेरा भाई ना हो, वैसे भी शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम होती है। सृष्टि समझ जाती है कि उसे किसी भी हालत में माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करना है, लेकिन कैसे। एक दिन सृष्टि का भाई शीनू कहता है, बहन क्या कर रही है, तुझसे एक बात करनी है। अरे हाँ हाँ करना, मैं तो तेरी बहन हूँ। बहन मेरी लाइफ में ना एक लड़की है, बहुत अच्छी है, मैं सोच रहा हूँ माँ और पापा से बात करूँ शादी के लिए। सृष्टि को समझ में आ जाता है कि भाई की शादी होते ही भाभी उसे एक दिन भी घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या बात है भाई, बताना कौन है वो। यार वो बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, मेरे साथ जॉब भी करती है, बस एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है भाई? यार वो शादीशुदा है, लेकिन उसके पति ने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके माँ बाप दहेज नहीं दे पाए। सृष्टि ये सुनकर न जाने क्यों खुश हो जाती है। अरे भाई तो क्या हुआ, लड़की तुझे तो पसंद है ना। शीनू को लगता है कि बहन उसे समझ रही है, वो इस बात से अनजान होता है कि उसकी बहन की मंशा पूरा घर हड़पने की है। सृष्टि अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे तो बहुत चिंता है, पता है शीनू क्या कर रहा है। अरे क्या कर रहा है, वो तो काम पर जाता है और वापस घर आता है। नहीं ना माँ, वो यही तो नहीं कर रहा, बाकी सब कर रहा है। आपको पता है उससे प्यार है, और वो भी एक शादीशुदा लड़की से। ये क्या हो गया, मैं सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगी। अरे तेरे पापा तो यही कहेंगे कि मैंने ही उसे बिगाड़ दिया है। माँ देखो मेरी बात मानो, पापा पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अब आप ही बताओ, पापा इतनी देर घर के बाहर रहते हैं क्यों, बोलो। अरे बेटा वो तो नौकरी करते हैं ना। तू बहुत भोली है माँ, पापा का ऑफिस तो 7 बजे खत्म हो जाता है, लेकिन देखो कितनी देर से आते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। सृष्टि माँ को एक औरत से बात करते पिता की फोटो दिखाती है। देखो माँ कैसे हैं पापा, मैं ना कहती थी कि पापा सही नहीं है। मैं तेरे पापा से बात करूंगी, दे फोटो मुझे। ओ माँ वो तो डिलीट हो गई। लेकिन चल तूने तो देख लिया ना, पापा से बाद में बात कर लेना, और हाँ मेरा नाम बिल्कुल मत लेना। हाँ माँ। अब क्या था, सृष्टि के माँ और पिता के बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है। सृष्टि के मन में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। एक दिन, माँ सृष्टि के लिए एक लड़का देखा है, वो लोग शाम को उसे देखने आने वाले हैं, और हाँ माँ एक खुशखबरी, मैं और पापा मिलकर एक नया बिजनेस ट्राई कर रहे हैं। शाम को लड़का आता है सांवले रंग का, सृष्टि को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लड़की की माँ कहती है, लड़की का चेहरा तो कोई खास नहीं, लेकिन अगर मेरे बेटे को आप लोग सेटल कर दें तो मैं उसकी शादी आपकी बेटी से करवा दूं। सृष्टि को लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था, उसे भाई पर गुस्सा आ जाता है। लड़के वालों के जाने के बाद कहती है, माँ देखा शीनू मेरे लिए कैसा लड़का लेकर आया, न दिखाने लायक न सुनने लायक, सेटल भी नहीं, वो भी हम करे। अरे माँ मैं जानती हूँ
ये मेरी शादी किसी भी घर में क्यों करवाना चाहता है? अरे कैसी बात कर रही है बहन, तूने तो देखा ना, लड़के को मैंने ही मना कर दिया तुझसे शादी के लिए। जिसने लड़का बताया था उसने उसकी बहुत तारीफ की थी। बात आई गई हो जाती है, लेकिन सृष्टि का मन शांत नहीं होता। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी शादी हो गई तो ये लोग पूरी प्रॉपर्टी शीनो के नाम कर देंगे, मेरे हाथ तो कुछ लगेगा ही नहीं। तभी सृष्टि को आइडिया आता है, वो किसी वकील को फोन करती है। जी देखिए, अगर आपके मम्मी पापा का तलाक हो जाता है तो आपके पिता की आधी प्रॉपर्टी आपकी माँ के नाम हो जाएगी, फिर उसे वो किसी को भी दे सकती है। सृष्टि अब माँ को बेटे के खिलाफ भरती है। माँ शीनू पर नजर रखा करो, वो जिस लड़की के प्यार में है ना, वो शादीशुदा है। यहाँ आएगी, सारा पैसा रुपया जमीन जायदाद सब हड़प लेगी। पापा का भी हाल तुमसे छुपा नहीं है, ऐसा ना हो कि मैं और आप एक दिन सड़क पर भीख मांगे। हे भगवान, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी अगर ऐसा हो गया तो। ऐसा हो गया नहीं माँ, ऐसा ही होगा। अभी समय है, आगे का सोच लो। मैं तो कहती हूँ पापा से आधी प्रॉपर्टी लेकर अलग हो जाओ। पापा की आधी प्रॉपर्टी भी हम लोगों को अगर मिल जाती है ना, तो अगले 7 जन्म सफल समझो। बेचारी माँ बेटी के कहने पर पति से तलाक लेकर अलग हो जाती है। सृष्टि अब पैसों से गाड़ी और अपने दूसरे महंगे शौक पूरे करने लगी। उसके दोस्त भी उसके पैसे इस्तेमाल करते। सृष्टि, कल तुम कहाँ थी? मैं सारा दिन घर पर अकेली थी। तो मैं क्या करूं? मैंने ठेका तो नहीं लिया है ना तुम्हें संभालने का? माँ को सृष्टि से ये उम्मीद नहीं थी। वो बैठकर रोने लगती है। वहीं उसका पति यानी कि सृष्टि के पिता आ जाते हैं। मैं जानता था कि तुम्हारा यही हाल होगा, तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? मैं रोकता तो तुम रुकती क्या? सृष्टि के कहने पर तुमने मुझ पर अपने बेटे पर शक किया, लेकिन तुम ये भूल गई कि कैसे हम दोनों ने मिलकर जीवन में इतना सब खड़ा किया। माँ पति के गले लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गवा दिया। कोई बात नहीं, तुम साथ हो तो मैं ऐसी 7 प्रॉपर्टी खड़ी कर दूंगा। तभी वहां सृष्टि आ जाती है रोते हुए। माँ, मयंक ने मुझे छोड़ दिया। वो बोल रहा था जब तक मेरे पास पैसे थे तब तक ही वो मेरे साथ था। पापा माँ, मुझे माफ कर दीजिए।